ग्रामीण डाक सेवक को कोई स्थायी कर्मचारी का दर्जा न देने की मांग को लेकर विरोध स्वरूप ग्रामीण डाक सेवकों ने आज मुख्य डाकघर नोहर परिसर में धरना शुरू कर दिया। ग्रामीण डाक सेवक अध्यक्ष प्रेम गोदारा ने बताया कि ग्रामीण डाक सेवक डाकघर से डाक ले जाने व डाक वितरण का कार्य करते हैं, जिसके बदले उन्हें 3 घंटे की पगार मिलती है। अध्यक्ष प्रेम गोदारा ने बताया कि उनके साथ ही 40 वर्षों से यह डाक वितरण का कार्य कर रहे हैं, जिनके लिए पेंशन सुविधा भी नहीं है। संगठन की मांग है कि ग्रामीण डाक सेवकों को 8 घंटे का कार्य देकर स्थायी किया जाए, पेंशन के समय 5 लाख रुपए दिए जाए। संगठन का कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। जी सर बताएं, आज किस मामले को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं? हमारी 7-8 मांगे हैं, उनके लिए बैठे। हम देश भर में 2,70,000 ग्रामीण डाक सेवक हैं। पहले तो हमें 3 घंटे का तो पैसा मिलता है, हम चाहते हैं हमारा 8 घंटे काम हो। सारा काम हम करते हैं, पेंशन नहीं है, हमारे शिक्षा है, पदोन्नति है, ग्रेजुएशन सही से स्थायी कर्म की मांगे। तो सरकार का क्या कहना है इस मामले में? सरकार कह बोले थोड़ा थोड़ा कर देगा थारा, बाद में कर देगा, अब ये मौको आन दो, फलानो आन दो, जल्दी करा थारो काम। सरकार कौन जी कोर्ट तो यहाँ कह की बात मिल लो है, लेकिन जो ऊपर का अधिकारी है जो यहाँ है पोस्ट ऑफिस का जो भी जनरल सेक्रेटरी है बठू जी, मैं होट फोन लाग रही पूरी नहीं, तो आप स्थायी कर्मचारी नहीं हो गया आप लोग? स्थायी कर्मचारी है जी, अभी 4 घंटे ड्यूटी का मन है, वेतन मिले। हमारी यही मांग है कि 8 घंटे ड्यूटी का कोई है क्या कोई हो जाए तो, बाकी इलाकी में 8 घंटा करा भी यहाँ इसी बात को नहीं, कोई मल्ला दंड कोई करा, कई हिस्सा है बेचारा देखा फिर मल्ला दंड भी 7 दिन लग गया बैठे, टारगेट भी यहाँ है मल्ला दंड भी आपको हर 2 महीने बाद।